हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूपीएससी। सो गाइस, इन द लास्ट क्लास अपन ने जो करंट्स थे, ओशियनिक मूवमेंट्स थे, वो सारे कंप्लीट कर लिए। फॉर टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू अ न्यू टॉपिक, दैट इज कोरल्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कोरल रीफ्स अपन देखेंगे। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, किस कंडीशंस में ये होते हैं, ऑल दीज बेसिक थिंग्स वी विल स्टडी फॉर टुडे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, देयर इज अ इंटरनेट इशू। अक्षय, एंशियंट हिस्ट्री आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो, डोंट वरी। जस्ट अ सेकेंड एवरी वन, देर इज अ इंटरनेट इशू। ओके, सो कोरल्स आज का अपना टॉपिक है। ठीक है, कोरल्स में अपन सबसे पहले देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर कोरल्स। ठीक है, कोरल्स क्या है सबसे पहले, तो फिर कोरल रीफ्स क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अपन आएंगे मेन टॉपिक पे, दैट इज कोरल्स को कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ कोरल्स आर देयर। ठीक है, तो ये अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, कोरल्स क्या है। ठीक है, सी, कोरल्स बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जो अपना स्केलेटन्स छोड़ देते हैं। ठीक है, ये कोरल पोलप होते हैं जो कि अपना क्या छोड़ देते हैं, स्केलेटन छोड़ देते हैं। जो एक्सोस्केलेटन है वो इनका कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, तो वो ये छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, वो कलेक्ट होता रहता है, क्योंकि वो ये एक कॉलोनी में रहते हैं तो वो कलेक्ट होता रहता है। उनकी वजह से अपने जो कोरल रीफ्स अपन देखते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। गेटिंग द पॉइंट नाउ, कोरल्स के बाद आते हैं व्हाट आर कोरल रीफ्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो कोरल रीफ्स हैं ये सबसे डाइवर्स हैबिटेट है। इनको रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। आई एम सॉरी अक्षय, इंडियन इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, तो बाद में उसको देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स को, अभी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, नाउ कोरल रीफ्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है। ठीक है, ये एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रीफ बिल्डिंग। ठीक है, जो कोरल्स है वो क्या बना देते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं पूरी, कैल्शियम कार्बोनेट के कलेक्शन से ये पूरी एक कॉलोनी बन जाती है। इनके ऊपर आके जूज एंथलेज नाम के एल्गीज रहने लग जाते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से आप इनके डाइवर्स कलर देखेंगे। ठीक है, एंड इनका क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जो जूज एंथलेज एल्गी होते हैं वो इनको एक फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं कोरल्स को, एंड कोरल्स इन रिटर्न उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट, मतलब रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जूज एंथलेज जो एल्गी होते हैं वो इनके ऊपर रहते हैं। ठीक है, अब ये एक कॉलोनी है, इसके अंदर आप देखेंगे फिशेज वगैरह रहते हैं।
ठीक है, काफ़ी सारे फिशेज वगैरह रहते हैं, वो अपनी घर बना लेते हैं इनको, ठीक है। दैट इज़ वाई ये बहुत ही डाइवर्स, बहुत ही ज़्यादा एक डाइवर्स हैबिटेट है ओशन में, सेम जैसे अपना रेन फॉरेस्ट है इन द लैंड, जैसे अपना रेन फॉरेस्ट है उसी तरीके से ये क्या है ओशन में एक बहुत ही डाइवर्स आपका हैबिटेट है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरल, दो तरीके के कोरल होते हैं, एक होते हैं हार्ड कोरल, एक होते हैं सॉफ्ट कोरल्स, ठीक है। ज़्यादातर जो अपन कोरल्स बाहर की तरफ देखते हैं वो कौन से होंगे, हार्ड कोरल्स। डीप ओशन में कोल्डर रीजन वगैरह में आपको क्या दिखेंगे, आपको सॉफ्ट कोरल्स दिखेंगे, ठीक है। तो मेनली जो अपन बात करते हैं वो किसकी बात होती है, हार्ड कोरल्स की। नाउ अब कोरल्स हर जगह नहीं मिलते, ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी जगह है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो इनके लिए बेस्ट सूटेबल है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप देखोगे कोरल्स कभी भी ऐसे नहीं आते बीच में से ही कहीं से उभर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, जैसे आपका कोई लैंड मास हो गया, ठीक है, कोई लैंड मास हो गया, उसके आसपास इनका फॉर्मेशन होना शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनको क्या चाहिए, शैलो सी चाहिए, शैलो सी सरफेस, ओके, इनको शैलो सी सरफेस चाहिए। दैट मींस ये बहुत ज़्यादा डीप वाटर्स में नहीं मिलते, ठीक है, ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पर सनलाइट पहुँच रही है आराम से, ठीक है, सनलाइट आराम से पहुँच रही है, तो आपको इस कंडीशंस में ये आपके कोरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे आपके क्या हो गए, कॉन्टिनेंटल शेल्स हो गए, देन वॉल्केनिक माउंटेन है बीच में, अगर आपको कहीं पे मिल रहा है तो मतलब कोई वॉल्केनिक माउंटेन थी, उसके अराउंड क्या हुआ, कोरल्स का फॉर्मेशन हुआ। देन अगर आपको ऐसी कोई माउंटेन नहीं दिख रही, आप बोल रहे हैं मैम ऐसी होती नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बीच में माउंटेन हो, अटॉल्स जैसे हैं, अटॉल्स बीच में नहीं होता कुछ भी इनके, ठीक है, किसी सर्फेस पर नहीं होते, ऐसा नहीं होता। पहले क्या होगा, कोई वॉल्केनिक माउंटेन होगी, ठीक है, उसके आसपास इन कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन होगा। देन होता क्या है, धीरे धीरे ये जो लैंड मास है ये सबसाइड कर जाता है, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, बट ये कोरल्स क्या है, ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको अटॉल्स दिखते हैं, गेटिंग द पॉइंट। तो इनको क्या चाहिए, एक शैलो सी चाहिए, ठीक है, देन इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, दोनों की बात कर ली, शैलो सी चाहिए एंड एक प्लेटफॉर्म चाहिए, चाहे से वॉल्केनिक माउंटेन हो, चाहे से लैंड एरिया हो, कुछ ना कुछ इनको चाहिए। देन ये बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर्स में नहीं रह सकते, ठीक है, इनको वार्म वाटर चाहिए, ठीक है, वार्म वाटर इनको चाहिए। तो मतलब जो बेस्ट सूटेबल एरिया होगा इनका 20 to 30 to 35 के आसपास होगा, ठीक है, ये इनका बेस्ट सूटेबल एरिया होगा, ठीक है। नाउ अब ऐसा नहीं है कि इस जो एरिया है जहाँ पर वार्म वाटर मिलेगा वहाँ पर हर जगह आपको कोरल रीफ्स मिलेंगे, सलाइनिटी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर देम, ठीक है, ये ज़्यादा सलाइन वाटर में नहीं रह सकते, ठीक है, ज़्यादा सलाइन वाटर में ये सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ठीक है, क्यों, क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा इनके कैल्शियम का, गेटिंग द पॉइंट। तो दैट इज़ वाई ये ज़्यादा सलाइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाते। नेक्स्ट चीज़ आप क्या देखेंगे, सी मैंने जब आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था दैट अगर ज़ूज़ेंथलेस बैक्टीरियाज चले जाते हैं किसी भी स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, हो क्या रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, तो कोरल ब्लीचिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, जो ज़ूज़ेंथलेस एल्गीज हैं वो चले जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, जैसे टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है, वाटर की एसिडिटी बढ़ गई, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ये लोग चले जाएंगे। अब क्या होगा, सिर्फ जो स्केलेटल है कोरल का वो रह जाएगा, ठीक है। नाउ ये खुद का न्यूट्रिशन खुद नहीं ले सकता, ठीक है, ये खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो इट इज़ एक्सपोज टू ऑल द डिजीजेस, हंगर एट्सेट्रा, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे ये वाइट से ब्लैक टर्न हो जाएगा, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये कोरल ब्लीचिंग हो गई, इसके बाद कोरल डेथ, ठीक है, जब वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो कोरल डेथ। अब जो ज़ूज़ेंथलेस बैक्टीरिया है इनको भी क्या चाहिए, इनको भी सनलाइट चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं रह सकते, ठीक है, इनको जो पानी है वो कम सलाइन चाहिए, ठीक है, दैट इज़ वाई ऑल्सो आप क्या देखेंगे, जो कोरल्स हैं, ठीक है, जो कोरल्स हैं वो ज़्यादातर आपको इस तरीके की कंडीशंस में दिखाई देंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या कंडीशंस देखी, पहली है शैलो वाटर्स, ठीक है, शैलो वाटर्स में आपको दिखेंगे, देन इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म के बाद वार्म वाटर, ठीक है, एंड देन लेस सलाइन वाटर, ये इनके क्या हो गए, चार कंडीशंस हो गए। अब मेन जो आपके टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, टाइप्स ऑफ रीफ्स आते हैं, ठीक है, वो है फ्रिंजिंग रीफ,
ठीक है, जैसे आपका क्या है कोस्टल एरिया है, उसके आसपास क्या है कोरल्स दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या है आपके फ्रिंजिंग रीफ है, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ के बाद आते हैं बैरियर रीफ, ठीक है, ये क्या है आपकी बैरियर रीफ है, ओके। देन आते हैं अटॉल्स, अटॉल्स ये आपके अटॉल्स है, ठीक है। तो फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटॉल्स, ठीक है। अब इन सबको अपन पढ़ेंगे एक के बाद एक। तो सबसे पहले आएगा फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई वॉल्केनिक आपका आइलैंड है या वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, उसके आसपास कोरल्स डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। ये वाटर है, ठीक है, यहाँ पर कोरल डिपॉजिट होना शुरू होंगे। धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ते जाएंगे एंड देन ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी इस तरीके से बढ़ते जाएंगे एंड सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। अब बीच में आपको थोड़ा पानी दिख रहा है, ठीक है, ये बीच में क्या हो गया, लगून लेक का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, बीच में लगून लेक का फॉर्मेशन हो गया जो कि शैलो लेक है, ठीक है। एंड देन आप क्या देखते हैं, इसको फ्रिंज करते हुए, इसको सराउंड करते हुए आपके क्या है कोरल रीफ्स है, ठीक है। उसको आप क्या बोलेंगे, फ्रिंजिंग रीफ। इस टाइप के कोरल रीफ्स को आप क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, बेसिकली यहाँ पर जो वाटर होता है ये लगून लेक होती है, ठीक है, इसको बोट चैनल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोट चैनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बोट्स हैं उनके लिए ये पानी इतना शैलो नहीं होता कि बोट्स भी नहीं चलता चल सकती, ठीक है, बट शिप्स यहाँ पर नहीं चल सकते। गेटिंग द पॉइंट। तो ये क्या हो गया आपका, फ्रिंजिंग रीफ। नेक्स्ट आते हैं बैरियर रीफ, ठीक है। बैरियर रीफ और फ्रिंजिंग रीफ में डिफरेंस क्या हुआ, सी फ्रिंजिंग रीफ आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ये इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बैरियर रीफ ये बहुत ही अंदर स्टीप वाटर, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंदर पानी में क्या होता है, कलेक्शन शुरू होता है कोरल्स का, ठीक है। अब ये कलेक्शन शैलो वाटर्स में शुरू हुआ होगा, बट बिकॉज ऑफ द सब्सिडेंस ऑफ लैंड मास ये नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। अब वो वापस से ग्रो करना शुरू करते हैं, ऊपर आए और ऊपर आए, ठीक है। अब क्या होगा, ये पानी है आपका, ठीक है, ये जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ मास हो गया, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गए एंड यहाँ पर आपको ये उभरे हुए आपको आइलैंड एरियाज दिखाई देंगे, ठीक है, कोरल टाइप्स। तो ये क्या है आपका, दिस इज योर बैरियर रीफ, ठीक है। अब यहाँ पर जो लेक होगी, ये जो वाटर बॉडी है, इट इज़ नॉट अ लेक, ठीक है, ये कोई शैलो वाटर नहीं है, ये काफ़ी डीप वाटर है, ठीक है, काफ़ी डीप होता है, काफ़ी वाइड होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई इसको अपन क्या बोलते हैं, बैरियर रीफ, ठीक है। बैरियर रीफ आपको सबसे अच्छी कहाँ पर दिखाई देगी, ग्रेट बैरियर रीफ एट द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में आपको ये बैरियर रीफ दिखाई देगी। नाउ लास्ट आता है अपना अटॉल। अटॉल एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे आपका कोई वॉल्केनिक माउंटेन है, उसके आसपास कोरल्स का डिपोजिशन शुरू हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये लैंड मास सबसाइड कर जाता है बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब ये पानी के अंदर वापस से चला गया, अब ये जो कोरल्स हैं वो ऊपर आएंगे, ठीक है, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये क्या करते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ऊपर से कैसा दिखाई देगा, इस तरीके का, मतलब बीच में एक वाटर बॉडी है, जो आपके आसपास का एरिया है वहाँ पे वाटर बॉडी है एंड बीच में एक लैंड मास है, ठीक है, आइलैंड एरिया है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अटॉल। दिस इज बेसिकली ट्रू अटॉल, ठीक है, ये एक ट्रू अटॉल है, ठीक है, जहाँ पर बीच में कोई आइलैंड आपको दिखाई नहीं देता, जैसे वॉल्केनिक आइलैंड वगैरह दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कोरल आपको एरिया दिखाई देगा, ठीक है। वेयर एज एक और अटॉल होता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा माउंटेनस एरिया भी दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ा सा माउंटेनस एरिया भी दिखाई देगा एंड उसके आसपास आपको क्या दिखाई देगा, अटॉल, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइलैंड अटॉल, ठीक है, दैट इज आइलैंड विद अटॉल। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जो सबमरीन सरफेस है वो या तो राइज हो जाता है, ठीक है, या फिर वो क्या होता है, वो अंदर इतना ज़्यादा सबसाइड नहीं होता एंड उसके आसपास वाले एरिया में कोरल्स डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक है। नाउ एक टर्म आती है इन द अटॉल्स, दैट इज फरोस, ठीक है। फरोस बेसिकली क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अटॉल, ठीक है, जो अटॉल्स है उनके काफ़ी सारा जो बड़ा सा ग्रुप होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फरोस, ठीक है, ये आपके क्या है, अटॉल्स है। नाउ बेसिकली ये आपके टाइप्स ऑफ अटॉल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो कोरल लैंड मास है
ठीक है, ये आपका एक सबमरीन प्लेटफॉर्म डेवलप करता है, जैसे आपने क्या देखा जो आपने आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया में भी, ठीक है, देन बैरियर रीफ वगैरह है, तो काफ़ी सारे जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वो कोरल ओरिजिन के हैं, कई कई कैसे हैं आपके वॉल्केनिक ओरिजिन के, वेर एज कई आपके कोरल ओरिजिन के हैं, ठीक है, तो दैट इज़ वाई आप क्या देखेंगे काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है, ठीक है, अपना ह्यूमन बींग्स का विद दीज कोरल्स. एंड देन अपन क्या देख रहे हैं अभी, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, वेरियस डैमेज टू दीज कोरल्स आर गोइंग ऑन, ठीक है, जैसे टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हो रहा है, सैलिनिटी इंक्रीज होने की वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है कोरल्स को. अब बेसिकली अभी जो स्टेज जिस पे कोरल ब्लीचिंग चल रही है वो कैसा है, अभी जो कोरल्स हैं वो वाइट कलर के या येलोइश कलर के आपको दिखेंगे, ठीक है, थोड़ा ब्राउनिश कलर के दिखेंगे, यहाँ से आप उनको वापस से उनको रिवाइव कर सकते हो, बट वंस दे टर्न ब्लैक, ठीक है, एक बार ये बिल्कुल ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन इसके बाद इस पूरी प्रोसेस को रिवर्स करना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे लक्षद्वीप आइलैंड है, मालदीव आइलैंड है, ये सारे क्या हैं अपने कोरल ओरिजिन के आइलैंड्स हैं, ठीक है, तो ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट था. विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आर ओशेनोग्राफी, ठीक है, पूरी अपनी ओशेनोग्राफी कम्प्लीट हो चुकी है. कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करेंगे. तो इन्वायरमेंट एंड जो अपनी फिजिकल ज्योग्राफी है वो अपन ने कम्प्लीट कर ली है. कल से या डे आफ्टर टुमारो अपन वी विल स्टार्ट विद, फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू सब्जेक्ट, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी, एंड कोई और टॉपिक लेंगे अपन, कोई और दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. ओके, सो गाइज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कमेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कोई भी इश्यूज हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पर एंड करते हैं. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.